फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं दर्शन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दर्श टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना ना भूले, जिससे मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। आज की इस वीडियो के चलिए हम पहले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं एक ऐसे एक कैबिनेट है जी, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का है और ये 12 वोल्ट का सॉकेट ले रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। और ये कुछ कार्डबोर्ड की शीट्स है चार, इनको मैंने 3x3 के डायमेंशन में कट कर दिया है। दोस्तों, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आप क्वेरी हो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम ये कैबिनेट फैन लेंगे और इसके चारों ओर इस तरफ से ये शीट्स ऐसे करके हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है, और एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इस कैबिनेट फैन को मैंने बॉक्स के अंदर फिट कर लिया, देख लीजिए। आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिए, मैं आपको बारी बारी और सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बारी इसको ये वाले सॉकेट लगाने की। तो हम इस साइड यहाँ पे बीच में होल्ड करके ये फिक्स कर लेंगे, ठीक है। आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस कैबिनेट फैन को ऊपर की तरफ मैंने फेविक लगा के ये सभी पार्ट्स को चिपका दिया। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे मैंने एक पेपर टैप लगा दिए जिसको लगाने के बाद हमारे फैन की बॉडी की मजबूती और बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वो सॉकेट लगा दिया है, देख सकते हैं अंदर से भी। अब बारी है इसके कनेक्शन पर। इसके कनेक्शन बहुत कुछ हार्ड नहीं है, वो सॉकेट का पॉजिटिव आर और फैन का पॉजिटिव आर आपस में जोड़ लेना है, और सॉकेट का नेगेटिव आर और फैन का नेगेटिव आर आपस में जोड़ लेना है। और आप चाहे तो इसके अंदर स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसके अंदर स्विच नहीं लगा रहा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव है और नेगेटिव वाला वायर नेगेटिव। अब हम इसको जल्दी से सोल्डरिंग करके उसके ऊपर टैप लगा के इसको एक साइड में फिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कंप्लीट कर दिया है, तो चलिए हम इसके ऊपर टैप लगा देते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, अब इसका कनेक्शन और सभी कंप्लीट कर दिया मैंने। तो टैपिंग करके मैंने इसके सभी वायर को एक तरफ चिपका लिया है इस टैप की मदद से, देख सकते हो बहुत ही शानदार लुक आ रही है इसकी। और यहाँ दो वाली चीज मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर ली है, देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अभी कंप्लीट हो चुका है और इसके नीचे के बेस बना लिए मैंने, इसे ये और भी एक्सपेक्ट हो लगे, ठीक है। इसको ट्राई करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल पर कोई भी फेक वीडियो नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी टेस्टिंग करने। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर वो 12 वोल्ट वाला सॉकेट लगा के दिखा देता हूँ आप। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने सॉकेट कनेक्ट कर दिया है, चलिए अब इसको स्टार्ट करने की बारी है, ठीक है। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है, मैं
मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी हवा दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बारी है इसका मेन काम क्या है वो जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस फैन का मेन काम है कि जब हम सोल्डरिंग आयरन से कोई भी जगह कहीं भी जगह पे सोल्डरिंग जब करते हैं तो उसके अंदर से जो पेस्ट और जो सोल्डर वायर का जो धुआं निकलता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके लिए मैंने ये यूज़फुल फैन बनाया है। तो मैंने एक सोल्डरिंग आयरन को एक स्टैंड पर लगा दिया है और आपको दिख सके इसलिए ये वाले फैन को मैंने एक स्टैंड बना के उस पर उसके ऊपर रख दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया कि नहीं। अब देख सकते हैं हमारा सोल्डरिंग आयरन अभी गर्म हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा सोल्डरिंग आयरन अभी गर्म हो चुका है। तो मैं इसको एक खराब पीसीबी के ऊपर आपको टेस्ट करके दिखा जाऊँ। जैसे कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं, और जो वो हमारे पास आ रहा है। तो इसके ऊपर हम जब ये सोल्डरिंग पेस्ट लगा दें तो इसके अंदर से धुआं और ज़्यादा आ रहा है, देख सकते हैं आप। और ये कितना ज़्यादा धुआं आ रहा है, और हमें सोल्डरिंग करने के लिए वो पेस्ट बहुत ही ज़रूरतमंद है। तो आप देख सकते हैं वो धुआं वो इसके अंदर चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप ऐसे करके सोल्डरिंग कर सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। वो सारा धुआं वो उसके अंदर कंज्यूम कर लेता है और पीछे की तरफ छोड़ देता है, ठीक है, जिससे वो धुआं हमारी ओर आता नहीं और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल हम इसको कह सकते हैं। आप चाहो तो इसे बना सकते हो, और आप इसको बनाते समय कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। तो चलिए अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले एक इस तरफ की लाइट आप देख सकते हैं। ये मैंने पहले से बना रखी है क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, और इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। आप कोई ऐसी स्ट्रिप लाइट ले सकते हैं, और इसको सभी को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, और ये 12 वोल्ट से चलेगी, और वो फैन भी हमारा 12 वोल्ट से ही चलेगा। और यहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर दिए और बाहर निकाल दिए जिससे चल सके, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसका मेन काम क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, वो भी आप समझ चुके होंगे। और इसको मैंने एक डबल साइड टैप के ऊपर चिपका दिया है, ठीक लीजिए, और ये लकड़ी के ऊपर फिक्स किया हुआ है बहुत ही मजबूत तरीके से। तो ये हिले डुले या टूटने वाला नहीं है, तो ये बहुत ही मजबूत हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब इसका काम जानते हैं। फ्रेंड्स, इस वाली लाइट के भी कनेक्शन मैंने कर दिया, जहाँ पे हमने ये फैन के लिए जो पिन लगाई थी वहाँ पे ही मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। जो ये भी ये 12 वोल्ट से चल रहा था तो मैंने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और ये वाले प्लाईवुड के स्टैंड पे मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो चलो मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस वाली लाइट को टेस्टिंग करने से पहले मैं इसकी वर्क का इसका क्या काम है ये दिखा देता हूँ। इसका मेन काम यही है कि हम जब हमारे घर में लाइट नहीं होगी तब हमें इससे बाइक की बैटरी या कोई भी यूपीएस की बैटरी से इसको चला सकेंगे। और इसका ये भी बेनिफिट होगा कि आप उनकी सारी लाइट्स ऑफ करके और एक ही जगह पे बैठ के सोल्डरिंग और लाइट का मज़ा ले सकते हैं। और जो ये वाला फैन भी हमारे बहुत काम आएगा, जो सोल्डरिंग में से जो धुआं निकलेगा वो उसकी तरफ खींच लेगा और हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी रखने में मदद करेगा, ठीक है, और सोल्डरिंग आयरन से हमें नुकसान होने में बचाएगा। तो चलिए इसको टेस्टिंग कर लें। इसको टेस्टिंग करने से पहले मैंने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दिए हैं, और इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। जो कैमरे में तो कम कैचअप हो रही है, लेकिन इसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा है, और वो
कोल्ड ड्रिंक करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अब ऑन करता हूँ। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फैन भी ऑन हो चुका है और हमारे लाइट्स भी ऑन हो चुकी है। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं और ये बहुत ही ब्राइटनेस दे रही है। तो आपको कौन सा वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अगले वीडियो में कौन कौन से प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं या अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।